अब हम लोग आगे देखेंगे क्या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कितना मजेदार है, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। जैसे हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, एकदम सेम तरीके से हमारा क्या होगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी। द इंसिडेंट रे, लिखिएगा मेरे साथ, दो नियम लिखते हैं, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड तीनों चीजें वहीं वाली हैं। वहां पे भी क्या था, वहां पे भी क्या था, सेम चीज था, इंसिडेंट रे था, वहां पर से था, यहां पे जहां पर हमने रिफ्रैक्टेड लिखा वहां पे रिफ्लेक्टेड था, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, नॉर्मल क्या था, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आल लाई ऑन द सेम प्लेन, आल लाई ऑन सेम प्लेन। मैंने आपसे क्या बताया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आल लाइज ऑन द सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन। ये बात समझ में आ गई कि जो चाहे हमारे इंसिडेंट रे हो, चाहे हमारे इंसिडेंट रे हो, चाहे रिफ्रैक्टेड रे हो, चाहे नॉर्मल हो, तीनों क्या होगी, सेम प्लेन पे लाई करेगी। दूसरी बात कहते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, साइन मैंने लिखा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, बात मेरी समझ में आ रही, मैंने क्या लिखा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, दोनों क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, दोनों क्या होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा, इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। पेयर क्या होता है, अभी बताता हूं मैं आपको, अभी मैं आपको बताता हूं कि जो साइन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का और जो साइन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का किसी भी एक मीडियम के पेयर, मीडियम मतलब जैसे मैंने कहा था आपसे एक एयर लिया और दूसरा हमने ग्लास स्लैब लिया, तो वहां पे क्या हो रहा है, एक मीडियम का हमारा पेयर बना, पेयर में कौन कौन है, एयर है और ग्लास स्लैब है, तो हम लोग ये कह सकते हैं साइन आई अपान साइन आर, दिखाई दे रहा ना सबको, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इस बात को याद रखिएगा, यही बात हमें बतानी थी आपको कि जो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल इंसिडेंस उसका साइन थीटा लेते हैं उसका साइन लेंगे, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों क्या होगा, हमेशा क्या होता है, जो उसका दोनों रेशियो होता है ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। अगर हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा एयर का था उसको मीडियम वन मान लेते हैं और जो ग्लास स्लैब में था उसको मीडियम टू मान लेते हैं, तो सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं, और हम लोग ऐसा आप लोग जानते होंगे कि रिफ्रैक्शन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि वन एन टू, अब यहाँ पे एन का मतलब आपको परेशान नहीं होना, रिफ्रैक्शन के लिए है, इज इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू, ये भी आपको बताऊंगा मैं आपको, एक्चुअली में क्या है ये एक दूसरे कंपेरिजन में है, ठीक है, अभी आपको अलग से फिर से इसके बाद बता देंगे, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बताना, मैं भूल गया था उधर बीच में, इसको याद, अभी मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे थे, देख रहे थे क्या कि जैसे हमारा ये कोई ग्लास स्लैब था और यहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्ट करा रहे थे लाइट को, तो आप थोड़ा सा मुझे एक बात ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कोई लाइट सीधे परपेंडिकुलर आती है, मान लीजिए कोई भी लाइट जो इंसिडेंस कर रही है वो सीधे सीधे परपेंडिकुलर करती है 90 डिग्री पर करती है, तो क्या होगा भाई, क्या होगा,
अगर कोई लाइट की बीम जो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करती है ग्लास स्लैब पे तो क्या होगा? अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सीधे सीधे ग्लास स्लैब को क्रॉस करेगी, मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली बाहर चली आएगी। मीन्स क्या होगा, अगर कोई भी लाइट की बीम सीधे सीधे परपेंडिकुलर एकदम परपेंडिकुलरली आएगी, सरफेस से परपेंडिकुलरली आएगी, तो क्या होगा, वो अपना जो पाथ होगा उसे बेंड नहीं होगी, वो सेम पाथ को फॉलो करेगी और सीधे सीधे क्या हो जाएगी, वहां से वो बाहर आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।